आपने अब्राहम लिंकन का नाम जरूर सुना होगा। अमेरिका के ये राष्ट्रपति रहे थे और इन्हें गुलामों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महान नेता माने जाते हैं। उन्होंने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया और भयंकर रूप से अमानवीय गुलाम प्रथा जो वहाँ पर व्याप्त थी उससे मुक्ति दिलाई। इसलिए इन्हें गुलामों का मुक्तिदाता भी कहा गया। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 ईस्वी में बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पास रहने को ना तो अच्छा मकान था और ना ही बच्चों को शिक्षित करने का अच्छा साधन। छोटा सा बालक लिंकन भोजन जुटाने एवं लट्ठों द्वारा घर के निर्माण में पिता का सहायता किया करता था। इसके बाद वो विभिन्न स्थानों पर घूमकर पुस्तकों को मांगता था और मांगे हुए पुस्तक को चूल्हे की आग की रोशनी में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता था। कई बार वो पुस्तक लेने के लिए बहुत दूर गांव से बहुत दूर जाते थे और वहाँ पर से पुस्तक ला करके वो पढ़ा करते थे और उसे लौटाने का भी प्रयत्न वो करते थे। आजीविका चलाने के लिए वे नाव से सामान को लादकर दूसरे जगह पहुंचाते थे और इस प्रकार के कई काम करते थे। बड़े होने के पश्चात वो स्टोर में क्लर्क का काम किया करते थे और कुछ दिनों तक के लिए उन्होंने डाक खाने में, डाक घरों जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने भी काम किया और उसी दौरान जैसे तैसे वकालत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे घोड़े पर घूम घूम कर लोगों के झगड़ों का निपटारा करने का भी काम किया करते थे। राजनीति में आने से पहले वह अपने इलाके के कौंसिल सदस्य बने और पहली बार वे 1861 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस दौरान वो बने उस समय देश भारी संकट से गुजर रहा था। गुलामों के प्रश्न पर देश दो टुकड़ों में बटा हुआ था। उत्तर वाले गुलामों को मुक्त करने के पक्ष में थे जबकि दक्षिण भाग वाले लोग गुलामों से खेती के काम के लिए दास प्रथा को कायम रखना चाहते थे। इसलिए दक्षिण वाले ने पृथक संघ बना लिया। लिंकन राष्ट्रपति बनने के दौरान यह देखा कि हमारा देश दो भागों में विभक्त हो रहा है, ये उन्हें मंजूर ना था और इन्होंने उत्तर की सेना को दक्षिण की ओर भेजकर आक्रमण करवा दिया। उत्तर की सेना की विजय प्राप्ति हुई और पुनः देश एक हो गया और इसके पश्चात अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद लिंकन अपनी पत्नी के साथ नाटक देखने के लिए एक थिएटर में गए थे। उसी दौरान नाटक के एक पात्र ने देश को एक भयंकर संकट से उबारने वाले पिता समान महान नेता को गोली मारकर सदा के लिए मौत के घाट सुला दिया। अमेरिका ने अनेक महान नेता पैदा हुए परंतु दास प्रथा एवं कमजोर वर्गों के प्रति पिता के समान व्यवहार करने वाला एकमात्र नेता लिंकन, जिन्हें कोई नहीं भूल सकता है, और इस तरह के नेता पैदा होना संभव भी नहीं है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। मैंने उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।